किताबों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किताबों में किताबों में किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। और सुने बसाने अपने सीने में जो इसके तीन सिपारों को बसाने अपने सीने में जो इसके सिपाहियों को जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बहुत अच्छे माशाल्लाह 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 वाह 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 वाह। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। आप हजरात बिल्कुल भी मुंतशिर ना हो, तवज्जो इधर रखें। अच्छा, शैतान हर जगह मौजूद है। जिस तरह रहमान हर जगह मौजूद है, अल्लाह ने उसको भी कुदरत दे रखी है। लेकिन जो अल्लाह वाला होता है, जो अल्लाह का मानने वाला होता है, वो जल्दी उसके बहकावे में नहीं आता। बोलते सुबह आप थोड़ा सा माहौल बनाए, हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह और बुलंदा से सुभान अल्लाह। मैंने चार मिसरे पढ़े। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं। उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं। और बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारों को जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। चार मिसरे और पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। लगद में रोशनी के वास्ते सामाने लाया हो, लगद में रोशनी के वास्ते सामाने लाया हो, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हो, मैं अपने दिल के अंदर आयते कुरान लाया हो। खुदा पूछे खुदा पूछे का जब मुझसे के क्या लाया है दुनिया से, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ।